भाई और बहनों, दीदी ने 10 साल तक मां, माटी, मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है। लेकिन इन दिनों सभा में मां, माटी, मानुष नहीं, मोदी 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 करती रहती है। न मां, न माटी, न मानुष, सिर्फ मोदी। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपके आशीर्वाद, इतनी बड़ी तादाद में आई हुई माताओं बहनों के आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन 10 वर्षों में बंगाल के लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। ये पीड़ा है बंगाल में दीदी का कुशासन। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। बंगाल में जिसका जो काम था, वो अपना काम छोड़कर कुछ और ही कर रहा है। सरकार का काम लोगों की भलाई करना है, लेकिन बंगाल में दीदी और उनके करीबियों ने गरीब तक पहुंचने वाले हर लाभ को लूट लिया। प्रशासन का काम है कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करना, लेकिन बंगाल में दीदी ने प्रशासन को विकास कार्यों में रोड़े अटकाने के काम में लगा दिया। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का राज बनाए रखना, लेकिन दीदी ने पुलिस को पार्टी के काम में लगा दिया, तोलाबाजों सिंडिकेट की सेवा में लगा दिया। बंगाल के गरीबों, बंगाल के मध्यम वर्ग, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं, यहां के बुजुर्गों को, यहां के उद्यमियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को ममता दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं के रहम पर छोड़ दिया। जन्मदिन मनाना है तो टीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कटमनी दो, कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, किसी को अपना सामान बेचना है तो टीएमसी को कटमनी दो। बंगाल की जनता से लूटकर दीदी के करीबियों ने बड़े बड़े घर बनवा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोगों को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार आशोल परिवर्तन लेकर आएगी। योजनाओं का जो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलता है, वह पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचेगा। दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा, कोलकाता से 1 रुपया निकलेगा, तो उस रुपये के 100 पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे। जन कल्याण की हर योजना को बंगाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस सिर्फ अपना काम करेगी और प्रशासन सिर्फ अपना काम करेगी। आपके जीवन पर तोलाबाजों सिंडिकेट वालों ने जो दबाव डाला है,
बीजेपी सरकार आते ही वो हट जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार, बंगाल की बीजेपी सरकार डबल इंजन की शक्ति के साथ बंगाल के विकास के लिए डबल मेहनत करेगी। बंगाल का भला चाहने वाले हर किसी को हम साथ लेंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जिस बंगाल की बीजेपी के जन्म में बहुत बड़ी भूमिका है, उस बंगाल की जितनी सेवा बीजेपी करे उतना कम होगी। आपकी एक एक आवश्यकता, आपकी एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, नीतियां बनाई जाएगी, उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा।